हेलो दोस्तों, टेक्समैक चैनल में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है डायमेंशनिंग टेक्निक, इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के अंदर ड्राइंग निकालने के बाद डायमेंशन दिया जाता है। यह डायमेंशन किस प्रकार से दिया जाता है आपको यह ड्रॉ करके मैं दिखाने वाला हूं। डायमेंशन टेक्निक में इसमें सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग रहता है। दो टाइप का सिस्टम रहता है, एक पहला अलाइन्ड सिस्टम रहता है, दूसरा है यूनी डायरेक्शनल सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम किस तरह, इसमें क्या फर्क रहता है, डिफरेंट क्या रहता है, इस ड्राइंग के ऊपर आपको समझा के दिखा रहा हूं। ये जॉब है, इसके आपको यहाँ पे लंबाई दिया है, देखो ये स्लॉट दिया है बीच में, और सब डायमेंशन लाइन के ऊपर ड्रॉ किया है मिडल में, देखो इस तरह से, और वर्टिकल रहेगा तो ये जैसा लाइन है वैसा लाइन के ऊपर ड्रॉ किया है। सो हर एक डायमेंशन लाइन के ऊपर दिया जाता है, इसे अलाइन सिस्टम कहते हैं। और दूसरा है यूनि डायरेक्शनल सिस्टम, यानी सेम ड्रॉइंग है, खाली डायमेंशन देने का सिस्टम जो रहता है वो बीच में डायमेंशन लाइन कट करके बीच में लेटरिंग नंबर लिखने का है। वर्टिकल में सब आना चाहिए, देखो ये 20, 55, 15, 10, 35, जिस डायरेक्शन में ड्राइंग है सभी डायरेक्शन में आपको वर्टिकल में दिख रहा है, इसलिए इसका इसको बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल सिस्टम। इस टाइप के दोनों सिस्टम आप फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा करके ये अलाइन सिस्टम ही यूज करते हैं, ये क्या इजी पड़ता है अपने को डायमेंशन लाइन देने के बाद बीच के मिडल में लेटरिंग या नंबर्स लिखने के लिए जल्दी हो जाते हैं। और एक है अलग अलग टाइप के डायमेंशन दे सकते हैं। अभी ये इसमें अभी आपको देखो चेन डायमेंशन है, ये स्टेप है, लेकिन आप डायमेंशन इस तरह से दे सकते हैं, एक ही साथ में 10, 10, 10 ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद पैरेलल डायमेंशन आप इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिखाने के बाद पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक। और थर्ड है कंबाइंड डायमेंशन, यही सेम ड्राइंग है खाली डायमेंशन टेक्निक अलग अलग यूज किया है। देखो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और डायरेक्ट लंबाई दे दिया 30, इसका मतलब अंदर का भी 10 है। इस तरह से अलग अलग सिस्टम रहता है, और भी सिस्टम है वो आपको बता रहा हूं। इसे कहते हैं चेन डायमेंशन, इस प्रकार से आप डायमेंशन दे सकते हैं, देखो इस तरह से, इसे चेन डायमेंशन कहते हैं। इसके बाद आपको दूसरा ये देखो, ये इस तरह से डायमेंशन दे सकते हैं आप, ये पैरेलल डायमेंशन आपको देने का है तो यहाँ पे इस तरह से पैरेलल डायमेंशन आप दिखा सकते हैं, देखो इसे पैरेलल डायमेंशन कहते हैं। इसके बाद कंबाइंड डायमेंशन है, ये आपको पहले दिखाया था, ये 15, 15, 20 और 30 बीच में का रहेगा, ये कैलकुलेट करने का 15 रहता है, तो यह इस तरह से डायमेंशन दिया जाता है। सर्कल और सिलेंडर के लिए इस तरह से डायमेंशन दिया जाता है, सर्कल से बाहर से एरो दिखा के आप डाया 10 लिख सकते हैं, या इस तरह से सर्कल को डायमेंशन दे सकते हैं आप, या इस तरह से दे सकते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के डायमेंशन टेक्निक बहुत है। देखो तो यहाँ से सेंटर लाइन से गया है एरो और बाहर डायमेंशन दिखा है। इसके बाद आपको रेडियस दिखाने का है, इस तरह से आप रेडियस दिखा सकते हैं, या अंदर का रेडियस रहेगा तो इस तरह से दिखाने का है, बाहर का रेडियस रहेगा तो इस तरह से दिखाने का, देखो
यहाँ पे, और राउंड शेप रहेगा। ये देखो यहाँ पे राउंड शेप दिया है और यहाँ से रेडियस दिया है। स्पेयर गोलाकार जॉब है, ये देखो ये डायमीटर 18 का है और ये राउंड शेप है। तो इस तरह से आप एरो दिखा के इस तरह से बाहर डायमेंशन दे सकते हैं। इसके बाद आपको सेक्शनल व्यू में इस तरह से डायमेंशन दे दिया जाता है। देखो यहाँ पे ये सेक्शन है, यहाँ पे डायमेंशन दिखाया, देखो इस तरह से ऐसे अलग अलग टाइप के रेडियस रहेगा, फ्लैंज रहेगा, इसका पिच सर्कल डायमीटर वगैरह दिखाने का होगा आपको। तो इस तरह से डायग्राम में दिखा सकते, देखो ये अंदर का ये पिच PCD बोलते हैं इसको, पिच सर्कल डायमीटर। ये देखो 100 दिया है पिच सर्कल डायमीटर। फिर बाहर का डायमीटर आप दिखा सकते हैं, ये होल की होल का देखो डाया 15 6 होल दिखाया है। तो ये पूरा फ्लैंज के ऊपर 6 होल है, तो एक ही जगह आप डायमेंशन दिखाने का है। और एक है टेक्निक, इस देखो इस तरह से रेडियस बाहर से आपको दिखाने का है। देखो इस तरह से अलग अलग पिच सेक्शनल व्यू, इस तरह से ये अलग अलग रेडियस आपको इस तरह से दिखाया जाना चाहिए। देखो ये एक 112 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 15 डिग्री, इस तरह से अलग अलग। देखो यहाँ पे आपको काउंटर सैंक के लिए इस तरह से ड्राइंग दिखाया जाता है। देखो यहाँ पे इसके बाद देखो ये इस तरह से ये ड्राइंग काउंटर बोर है, ये काउंटर बोर रहेगा तो इसके इसके लिए इस तरह से डायमेंशन दिखाया जाता है। बाद में ये स्पॉट स्पेस है, ये देखो यहाँ से ये स्पॉट्स के इसका डायमेंशन अगर दिखाने का है तो इस तरह से आप दिखा सकते। कीवे रहेगा तो कीवे का डायमेंशन इस तरह से दिखाया जाता है। देखो अंदर का कीवे, बाहर का कीवे एक्सटर्नल, इसका विड्थ कितना है, सेक्शनल लाइन, और यहाँ से इसका डिस्टेंस की से यहाँ से डायमीटर का डिस्टेंस दिखाया। इसके अंदर अंदर का कीवे 10 mm का है और यहाँ से की से यहाँ तक 45 डायमेंशन दिखाया। इसके बाद आपको थ्रेडिंग इस तरह से दिखाया जाता है। देखो ये थ्रेड है, M15 का थ्रेड है, 20 लंबाई है इसका। ये सेक्शनल व्यू है थ्रेडिंग का इस तरह से। इसके बाद टेपर पोर्शन आपको दिखाने का है, तो स्मॉल डायमीटर जिस तरह से इस तरह से आपको दिखाने का है, टेपर का लंबाई दिखाने का है। देखो यहाँ पे ये टेपर है, टेपर का लंबाई 40 है, उसके बाद डायमीटर 30 है और ये एंगल है 15, इस तरह से ये टेपर है। जब स्लोप कितना है, 1:10, इसका स्लोप जो है 1:10 है, लंबाई 40 mm और इसका विड्थ है 15 mm। इस तरह से एक देखो यहाँ पे आपको चैम्फरिंग अगर करने का है ये, और ये एग्जोगन रहेगा, स्क्वायर रहेगा, तो ये स्क्वायर का इस तरह से दिखाया जाता है, ये राउंड में इस तरह से दिखाया जाता है, और कटिंग सेक्शन रहेगा तो इस तरह से दिखाया। देखो यहाँ पे ये चैम्फर है, यहाँ पे ये चैम्फर दिखाया है, ये 3/45 डिग्री चैम्फर इस तरह से दिखाया जाता है। इसका ये राउंड शेप है इसीलिए डायमीटर 30 दिखाया जाता है। देखो और एक रेडियस दिखाया है या बाहर से, ये 3 mm का डीप है टेपर का। इस तरह से अलग अलग डायमेंशन टेक्निक बहुत है इसमें। ड्रिल करे प्लेट के ऊपर आपको ड्रिल दिखाने का है, तो इस तरह से एक प्लेट के ऊपर ड्रिल, देखो 6 ड्रिल दिखाया, इसका टेक्निक देखो डायमेंशन इस तरह से दिया जाता है। क्या ड्राइंग इजीली समझना चाहिए सबको, इस तरह से डायमेंशन देना चाहिए। देखो ये स्मॉल डायमीटर अंदर,
बाद में थोड़ा बड़ा, इसके बाद बड़ा, फिर बाहर का बड़ा, इस तरह से आप डायमेंशन प्रैक्टिस करना चाहिए। और एक प्लेट दिखा दो, देखो ये एक प्लेट है, इसका टेक्निक देखो, ये अंदर से यूनिट डायरेक्शनल सिस्टम से डायमेंशन दिया है, देखो इसको कहते हैं यूनिट डायरेक्शनल सिस्टम। नट बोल्ट रहेगा तो इस तरह से थ्रेडिंग प्लेट के ऊपर थ्रेडिंग किया है, इसका डायमेंशन इस तरह से दिया जाता है, और इसका साइज है M8 by 1.5, ये पिच रहता है, एम थ्रेड थ्रेड का साइज रहता है। और इसमें देखो ये ड्रिलिंग किया है, 15 mm का ड्रिल है, ये कहाँ से लेने का है, सामने जैसे ड्राइंग एकदम क्लियर रहेगा तो जॉब आराम से बना सकते हैं, इसलिए ड्राइंग टेक्निक जो डायमेंशन टेक्निक है इस तरह से आना चाहिए सबको। ये देखो ये कटिंग करने के बाद इस तरह से किस तरह से ड्राइंग निकल जाता है, देखो यहाँ पे ऐसे आप सीट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे डायमेंशन टेक्निक का तो आपको आराम से आप ड्रॉ कर सकेंगे। अलग अलग ये देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे रेडियस दिया है, ये टेपर का है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करो, जितना आप ज़्यादा ड्राइंग निकालेंगे उतना आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। और एक ही डायमेंशन एक ही जगह आना चाहिए, दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ड्राइंग में, तभी आपको क्लियर समझता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त को शेयर कीजिए। आपने यह वीडियो पूरा देखा इसलिए धन्यवाद, थैंक यू।